गुड मॉर्निंग क्लास 8, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. गुड, वेलकम टू आवर साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 9, रिप्रोडक्शन. अपने लास्ट लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों लिविंग बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है और टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, वहां पर हमने टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो दो प्रिंसिपल्स थे, बाइनरी फ्यूजन और बर्डिंग, उनको हमने डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल डिफरेंट रिप्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं. बात की थी कि हम अपने इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे. अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से. ठीक है, आज के लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं. क्या फंक्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उनको हम डिस्कस करते हैं. सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं वो है टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस होते हैं, साथ ही वास डेफरेंस या फिर सीमेन डक्ट हम जिसको बोलते हैं, एपिडिडाइमस, क्लियर, और यूरेथ्रा एंड पेनिस. ये जो है ये मेन ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. देखिए, हमने ब्लैक बोर्ड पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक डायग्राम है वो ड्रॉ किया है और लेबल्ड है, उसके जो ऑर्गन्स है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की. अब देखिए कैसे, क्या फंक्शन होता है इन ऑर्गन्स का, कैसे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मेन फंक्शन होता है स्पर्म प्रोड्यूस करना, यानी कि जो मेल सेक्स गैमेट्स हैं, मेल सेक्स सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस करना. भी सेक्सुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर टू पेरेंट्स की नीड होती है, एक मेल और एक फीमेल, है ना. मेल की बॉडी के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल सेक्स सेल्स होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं, और फीमेल जो पेरेंट है या फीमेल की जो बॉडी है उसके अंदर फीमेल जो सेक्स सेल्स हैं या फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. मेल गैमेट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म. मेल गैमेट्स को ह्यूमंस में हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्म. स्पर्म जो है वो मेल सेक्स सेल्स हैं, है ना, जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सिंसियर है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग की बर्थ में फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे. कौन सी है, मेल सेक्स सेल्स, स्पर्म्स. क्लियर, अब कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, देखिए इससे पहले हमने अपना रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चैप्टर पढ़ा था, वहां हमने प्यूबर्टी बात नाम की बात की थी. प्यूबर्टी पढ़ा था कि इसके अंदर जो प्यूबर्टी है या एडोलेसेंस है उसमें किसी भी मेल या फीमेल की बॉडी रिप्रोडक्शन मैच्योरेशन के लिए, रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव जो कैपेबिलिटी होती है उसके लिए मैच्योर होती है. उससे बॉडी के अंदर उस ड्यूरिंग उस पीरियड में क्या होता है, बहुत से चेंजेस आते हैं, है ना. वहां हमने हार्मोनल चेंजेस की बात की थी. सो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर जो ग्लैंड है वो क्या करती है, मास्टर ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करती है. सेक्स स्टिम्युलेटिंग जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करती है, वो मैसेज भेजते हैं अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड तक. ठीक है, जो कहां का हिस्सा है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का. अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो मेल हार्मोन जो होते हैं, है ना, टेस्टोस्टेरोन, उसको सिक्रीट करती है. अब जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो फंक्शनिंग होता है किस पर, टेस्टिस पर. ठीक है, टू टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं. स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, जो फॉर्मेशन है, बनना है, वो कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में हो रहा है. ठीक है, और यहाँ पर स्पर्म की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग. और कौन सा हार्मोन इसको कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन. कौन सी ग्लैंड ने सिक्रीट किया, प्रोस्टेट ग्लैंड ने. इसको किसने स्टिमुलस भेजा कि अब जो टाइम है वो टेस्टिस इतनी मैच्योर है कि वहां पर स्पर्म की फॉर्मेशन हो सकती है,
हमारी मास्टर ग्लैंड ने या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने, ठीक है। वहां से उन्होंने पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है प्यूबर्टी के ड्यूरिंग क्या करती है, स्टिमुलेटिंग सेक्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करती है। वो फंक्शनिंग होते हैं जो रिलेटेड ग्लैंड्स होती हैं सेक्स हार्मोन्स सीक्रेट करने के लिए, जो रेस्पॉन्सिबल ग्लैंड्स होती हैं वहां तक मैसेज आता है, और उन वो जो ग्लैंड्स हैं वो फिर पर्टिकुलर ऑर्गन तक मैसेज देती कि अब जो फंक्शनिंग है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो अपना जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वहां नीचे सिचुएटेड है यूरिथ्रा। देखो ये हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा जो होते हैं वो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी पार्ट होते हैं, है ना, जिसके थ्रू मेल जो होता है वो अपना जो वेस्ट है बॉडी का यूरिन है उसको बॉडी से थ्रू आउट करते हैं, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिथ्रा से कनेक्टेड होती है कौन, वास डायफ्रेम। अब यहाँ पर स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस हो गए। अब ये इस डक्ट को, इसको हम सीमेन डक्ट भी बोलते हैं, वास डायफ्रेम बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सीमेन डक्ट। इसके थ्रू स्पर्म जो है वो यूरिथ्रा तक ट्रेवल करेगा, यूरिथ्रा तक पहुंचेगा। अब जब स्पर्म यहां से, स्पर्म क्या था, मेल सेक्स सेल है, मेल गैमेट है, जब ये यहां से यहां मूव करेगा तो इस डक्ट के अंदर वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट है और यहां पर बहुत से सिक्रीशंस होते हैं, है ना, जो स्पर्म के साथ मिक्स किए जाते हैं टू फॉर्म अ फ्लूइड। स्पर्म और जो ये वेरियस सिक्रीशंस यहां की ग्लैंड्स करती हैं वो मिलकर एक फ्लूइड बनाते हैं। इस फ्लूइडिटी, फ्लूइड तो समझते हैं ना, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्लूइड बनाते हैं, जो फ्लूइडिटी होने की वजह से फ्लो करके कहां पहुंचता है, यूरिथ्रा में पहुंचता है, ठीक है। कहां, अब जो ये फ्लूइड बना है स्पर्म प्लस ये जो सिक्रीशन था वास डायफ्रेम का या फिर सीमेन डक्ट का जो सिक्रीशन था, और स्पर्म मिलके क्या बनाया, फ्लूइड बनाया। इस फ्लूइड को हम बोलते हैं सीमेन, क्लियर। इसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट है और ये फ्लूइड हेल्प करता है स्पर्म को मूव करने में, फ्लो करने में, ठीक है। यूरिथ्रा से पेनिस के थ्रू, ये यूरिथ्रा जो है कंप्लीट पेनिस के अंदर सेंट्रल पार्ट जो होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, इसके थ्रू जो स्पर्म है या सीमेन है ये फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर होता है। वहां पर जो फीमेल सेक्स सेल्स होती हैं, है ना, वहां जो मेल गैमेट है या मेल सेक्स सेल है वो उसके साथ क्या करती है, कंबाइन होती है, जो एक प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, है ना। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का एक साथ लिंक होना, जुड़ना, किसके लिए, टू फॉर्म अ एम्ब्रियो, है ना, जो एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा उसकी जो इनिशियल सेल है, एम्ब्रियो की जो इनिशियल सेल है वो फॉर्म करने के लिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो होता है वो होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे वो मूव करता है, ये चीज डिस्कस की है, क्लियर। समझ आया। अब आपको ये जो टॉपिक है ये आपको अपनी बुक से रीड आउट करना है। अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।